हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो? आप सभी जो है काफ़ी अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। फ्रेंड्स, तो मेरा तबीयत अभी बिल्कुल ठीक है। मैं आ गई हूँ मायके से, ससुराल में आ गई हूँ और आने के बाद तुरंत ही मेरा चालू हो गया काम करना। यहाँ पे नया किचन देखो, जो बनाए थे ना आप लोगों के साथ शेयर किया, वही वाला किचन में अभी करना है लिपाई। और यहाँ पे ना लिपाई का, इससे पहले भी 3-4 बार लिपाई कर चुकी हूँ, मट्टी वगैरह लगा चुकी हूँ, तो अभी ना फाइनल लिपाई करेंगे। इसके बाद हम लोग इस वाले किचन में शिफ्ट हो सकते हैं। ये जो सूखेगा उसके बाद ही लिपाई सूखेगा, उसके बाद हम लोग कभी भी इसमें आ सकते हैं। और आना इसलिए है क्योंकि देखो तबीयत अभी भी ठीक हुआ, मेहनत भी करना है, लिपाई करने में मेहनत लगता है ना। गोबर मैं पड़ोसी से लाई हूँ क्योंकि हम लोग के घर में गाय वगैरह नहीं है, तो गोबर मट्टी से लिपाई कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी मेरा साका पोला मट्टी मट्टी हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, वही बोल रही थी। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं लिपाई करूँगी क्योंकि निकेत को भेजी हूँ बाबा के पास, क्योंकि वो रहेगा तो मैं लिपाई नहीं कर पाऊँगी। और घर में बाकी कोई नहीं है, मैं और निकेत ही थी, तो बाबा को बुला के उसको भेज दी हूँ बाबा के पास। तो मैं अभी जल्दी जल्दी लिपाई कर लूँगी। और लिपाई जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम लोग का घर में ना पूजा है, तो पूजा हम लोग का बरामदे में ही देना है क्योंकि जगह का दिक्कत है। तो इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी इस वाले किचन में शिफ्ट हो जाएंगे। खाना वगैरह बनाना है, मतलब रहता है ना जगह का कमी, दिक्कत रहता है। निकित खेलते भी है, बरामदा में जगह बहुत कम पड़ जाता है, तो इसीलिए अभी जल्दी जल्दी मैं लिपाई करने के बाद, लिपाई सूखने में भी 2-4 दिन लग जाएगा क्योंकि अच्छा मोटा करके लिपाई कर रही हूँ। देखो मट्टी का लिपाई देखने में कितना खूबसूरत लगता है ना। मैं तो पहले भी बहुत करती थी लिपाई, मेरे को लिपाई करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, मेरे को आदत है, मैं कर लेती हूँ। बट उसके बाद ना 3-4 साल मैं लिपाई नहीं की हूँ, 4 साल लगभग 4 साल से मतलब लिपाई वगैरह नहीं की हूँ ना, तो इसीलिए छूट गया मतलब वो जो आदत है। ऐसे पहले तो बहुत करी हूँ मैं लिपाई, मेरा मायके में बहुत सारा लिपाई करी हूँ क्योंकि हम लोग का घर भी बहुत छोटा था, मट्टी का ही था। अभी अभी तो जस्ट घर वगैरह बनाए हैं, मकान पक्का वाला, तो अभी के बाद अलग है। अभी मेरा भाभी को लिपाई नहीं करना पड़ता है, तो अब मेरे को हम लोग को लिपाई करना पड़ता था मायके में। तो अभी देखो मैं इधर लिपाई कर लूँ, कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का ना कमेंट आता है कि मेरा हस्बैंड कहाँ रहता है। मेरा हस्बैंड रायपुर में रहता है, मैं इधर गाँव में रहती हूँ। तो बस, और यहाँ पे मैं लिपाई कर रही हूँ और वही सोच रही थी कि आप लोगों का कमेंट वगैरह देखी हूँ। बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा अच्छा कमेंट भी आता है, बहुत अच्छा लगता है मेरे लिए। बहुत सारे लोग दुआ भी करते हैं कि अच्छे से जल्दी ठीक हो जाओगे। मेरे को लगता है आप लोगों की दुआ के वजह से ही ना मैं जल्दी जल्दी ठीक हो गई हूँ क्योंकि मेरा तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और मेरे पास कोई भी नहीं था और देखने वाला, तो बहुत ज़्यादा उस टाइम को ना कोई नहीं भूल सकता। अगर आपका तबीयत ज़्यादा ख़राब है, आपके पास कोई नहीं है और बहुत बुरा लगता है, तो बहुत सारे लोग समझते हैं मेरे फीलिंग्स को। और यहाँ पे ना गोबर उतना ही बचा था, मैं दिखाई हूँ, बाकी पूरा गोबर मट्टी सब लग गया। बहुत अच्छे से मैं गाढ़ा करके लिपाई कर दिया, बहुत ही अच्छे से। अभी जस्ट लिपाई होने वाला है और निकेत इधर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। अभी मैं ना बॉयज दे रही हूँ बाद में, तो अभी मेरे पास है निकेत, तो वही वाला बात कर रही हूँ। और देखो मेरे पैर में ना एक वाला पैर में पायल नहीं है और एक वाला पैर में है, एक वाला पैर ये चांदी का है, तो ये टूट गया तो मैं उसको रख दिया और इसको नहीं खोली हूँ। मेरा सिस्टम ही ऐसा है, तो अभी बाद में खोल लूँगी। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं लिपाई कर लेती हूँ। उसके बाद ना निकेत आ गया था थोड़ा टाइम बाद, मतलब 2 घंटा लगभग उधर रुके थे। मेरे को इधर पड़ोसी से गोबर लाई हूँ ना, तो टाइम लग गया था इधर गोबर मट्टी मिला हो, तो अच्छा खासा जगह है, बहुत बड़ा किचन है मेरा, तो उसमें काम करते करते अच्छा खासा टाइम लग गया था। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत बस लिपना बचा था। और मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ, आप लोग मेरे लिए दुआ किए थे कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, मैं जल्दी ठीक भी हो गया। तो आप लोग भी, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि मतलब किसी का लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है। मैं सोच रही हूँ कि आप लोग भी अच्छे से रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, भगवान भी आप लोगों का परिवार को अच्छे से खुशी से रखे, बहुत अच्छा अच्छे से जो भी करेगा भगवान अच्छा ही करेगा। मट्टी का लिपाई ना देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, बट लिपने में थोड़ा कष्ट होता है, बहुत तकलीफ होता है, तो जिसका आदत है उसका तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पे मेरा लिपाई वगैरह हो गया फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना। फिर मैं तो नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक ले बहुत सारा खुश रहिए, बहुत सारा खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मेरा निकेत भी आ गया अभी, उसको मैं अभी नहलाऊंगी। उसके बाद देखो लास्ट फिनिशिंग ना मैं लिपाई करने के बाद एक बार आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये जो किचन, देखो मस्त लग रहा है, देखो अच्छा खासा बड़ा जगह है।